किसी नगरी में एक किसान रहा करता था। उस किसान को एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी, और वह आदत थी कि वह बेवजह ही सोचा करता था, चिंता किया करता था। वह हर समय किसी न किसी चीज को लेकर चिंतित रहता ही था। उसके दिमाग में हजारों ख्याल चलते रहते थे। वो सोचता रहता था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें बहुत अच्छा अनाज भी होता था। खेती करने के लिए चार चार हट्टे कट्टे बैल भी थे, दो बैल गाड़ियां थी, एक अच्छा और बड़ा मकान भी था, साथ ही उसकी पत्नी और उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। लेकिन उस किसान की यह आदत बन चुकी थी कि वो बेवजह ही चिंता किया करता था। मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी ना हो जाए, हमेशा इसी के बारे में सोचा करता था। कभी कभी उसके मन में ऐसे भी विचार आते थे, अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो मैं क्या करूंगा, अगर आवारा पशुओं ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया तब मेरा क्या होगा, सूखा पड़ जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, या फिर मूसलाधार बारिश ही होने लग गई तब भी मेरी फसल खराब हो जाएगी। इसी तरह की बेवजह की बातों से वो हमेशा चिंतित रहता था। भविष्य में ना होने वाली घटनाओं को लेकर वो हमेशा सोचा करता था और हमेशा ही परेशान रहा करता था। उसे सोचने की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि वो कभी भी एक पल के लिए शांत नहीं रह पाता था। अगर एक चिंता से वो निकलता तो दूसरी चिंता में डूब जाता, जैसे कि खेती के समय अगर मेरे बैल बीमार पड़ गए तो भला मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बच्चों का भविष्य भला कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं, ऐसे विचार भी उस किसान के मन में हमेशा उत्पन्न होते रहते थे, जिन्हें लेकर वो अधिकांशतः चिंतित ही रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस किसान का स्वभाव अब कुछ चिड़चिड़ा सा होने लग गया था, और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उस किसान की पत्नी को एहसास हुआ कि उनके पति को बेवजह ही चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उस किसान को कई बार समझाने की कोशिश भी की कि तुम बेवजह ही चिंता करते हो, चिंता करना छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं, लेकिन लाख समझाने के बाद भी कोई मतलब नहीं निकला। उस किसान की सोचने की आदत बिल्कुल भी नहीं छूट रही थी। तभी एक दिन उस किसान की पत्नी को गांव की एक औरत ने बताया कि पास ही के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो सभी की समस्याओं का हल करते हैं, तुम एक बार जाकर उनसे मिल लो। अगले ही दिन सुबह सुबह वह किसान और उसकी पत्नी पास वाले जंगल में उन बौद्ध भिक्षु से मिलने चले गए। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। वह किसान और उसकी पत्नी उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाती हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर उन्हें अपनी सारी समस्या एक एक करके सुनाते हैं। किसान ने कहा, महात्मा मैं हर समय कुछ न कुछ लेकर के किसी न किसी वजह से चिंता में डूबा रहता हूँ। मैं ज़्यादातर तो बुरी चीज़ों के बारे में ही सोचकर चिंतित रहता हूँ, जो अभी तक मेरे साथ कभी हुई भी नहीं। ऐसी बातें मुझे हमेशा ही परेशान करती रहती हैं, जिस वजह से मैं अधिकांशतः चिंतित रहता हूँ। उन बौद्ध भिक्षु ने उस किसान की पूरी बातें बहुत ही ध्यान से और शांतिपूर्वक सुनी। उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उस किसान और उसकी पत्नी को कहा कि ठीक है, तुम कल आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल कल बताऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह किसान और उसकी पत्नी फिर से उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं कि वो बौद्ध भिक्षु जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा हुआ ग्लास रखा हुआ है, और वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित दिख रहे थे।
वो बार बार उस दोस्त की क्लास की तरफ देखते और फिर कभी अपना हाथ अपने सर पर मारते और फिर कभी अपने हाथ को जमीन पर दे मारते। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही बेचैन और चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु को इस तरह से चिंतित और परेशान देखकर उस किसान ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप जैसा महान संत इस तरह से चिंता में क्यों बैठा हुआ है? उन बौद्ध भिक्षु ने बड़ी ही बेचैनी भरे स्वर में कहा, मैं इस ग्लास के दूध को देख देख कर बहुत ही चिंता में हूँ। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध से भरे हुए ग्लास को बिल्ली पी ना जाए या फिर वह बिल्ली इसे गिरा ना दे, कहीं ये दूध खराब ना हो जाए या फिर मेरे आश्रम का कोई व्यक्ति इसे पी ना ले। मैं इन सभी बातों को लेकर सुबह से बहुत परेशान हूँ। मैं इस चिंता में सुबह से यहीं पर बैठा हूँ और मुझे अभी तक इसका कोई हल समझ ही नहीं आ रहा। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद वह किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। किसान ने हंसते हुए उन महात्मा से कहा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? ये सिर्फ एक ग्लास दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा ही दिया या फिर ये खराब ही हो गया या फिर इसे आपके आश्रम के किसी व्यक्ति ने पी ही लिया तो भला क्या हो जाएगा? एक ग्लास दूध की ही तो बात है, ये तो आपको फिर कहीं से मिल जाएगा। इसके लिए आपका चिंता करना बिल्कुल भी व्यर्थ है, क्योंकि अभी तक ना ही इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही ये दूध अभी तक खराब हुआ है और ना ही आपके आश्रम के किसी भी व्यक्ति ने ग्लास भरे हुए दूध को पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो भी ना। अब किसान के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं को लेकर चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं है और उनके होने की संभावना भी बहुत कम है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो हमारे साथ कभी हो ही ना। और मान लो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो भी जाता है तो जिस चीज को तुमने एक बार हासिल किया है उस चीज को तुम मेहनत करके दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और मान लो कि किन्हीं समस्याओं के कारण तुम उस चीज को दोबारा हासिल ना भी कर पाए तो भी क्या हो जाएगा? क्योंकि किसी भी समस्या के आने के साथ उन समस्याओं का सामना करने की जो ताकत, जो हिम्मत होनी चाहिए, वो हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती है। अब बौद्ध भिक्षु की इन बातों को सुनने के बाद उस किसान को ऐसा लगा हो मानो कि उसके गाल पर किसी ने एक थप्पड़ जम के मारा हो और उसे नींद से जगा दिया हो। उसे ये एहसास हो गया कि वो भी तो यही गलतियां कर रहा है, वो भी भविष्य की उन घटनाओं को लेकर के चिंतित रहता है इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, जो अभी तक घटी ही नहीं है और शायद कभी घटेगी भी नहीं। कुछ देर तक वो किसान यूं ही चुपचाप खड़ा रह गया और कुछ देर बाद वह उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आज से मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूँ। दोस्तों, जिन बुद्धिज्म में एक कहावत है, जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाओ। दोस्तों, इस लोकप्रिय कहावत का अर्थ बहुत ही हैरान करने वाला है, और सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि इस कहावत के अर्थ में ही वो राज छुपा है जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में इसे सही से उतार लिया तो वो चिंता के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस कहावत के बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं। अगर कुछ समय के लिए अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे दिमाग में
सिर्फ ऐसे कुछ ही विचार हैं जो कि बार बार आते हैं। किसी भी काम को करने के बाद सबसे पहला जो विचार हमें आता है वो ये आता है कि क्या हमने सही किया, दूसरा क्या मैं इसे और बेहतर ढंग से कर सकता था, तीसरा इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या होगा, और चौथा लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या मेरा ये काम उनको पसंद आया होगा या नहीं। ऐसे विचार हमारे दिमाग में हमेशा ही चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है। दोस्तों, हमारा दिमाग कुछ इसी ढंग से काम करता है। मान लो अगर हमने इससे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर ये उसे अपने आप आदत सा बना लेता है, और फिर हम चाहें या ना चाहें हमारा दिमाग उस काम को करने का प्रयास करता रहता है। शुरुआत में तो हमें किसी भी काम को करने के लिए एक एक चीजों पर बारीकी से ध्यान देना होता है, लेकिन जब हमें इसकी आदत सी लग जाती है, जब ये काम हम कई बार कर लेते हैं तो ये हमारी एक आदत सी बन जाती है, और हम चाहें या ना चाहें वो काम हमारे दिमाग में यूं ही चलता रहता है। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो आपके बचपन में जब आप लिखने की कोशिश किया करते थे तो पहले तो आपको पेन या फिर पेंसिल पकड़ने तक नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब कई बार प्रयास किया गया तो आपको पेन पेंसिल तो पकड़ने आ गई। लिखने के प्रयास के समय कईयों ने कई बार मार भी खाई होगी, क्योंकि उस वक्त आपको या फिर हमें एक अक्षर ढंग से लिखने नहीं आता था, पर धीरे धीरे जब हमने बारीकी से ध्यान दिया, जब हमारे दिमाग ने उस पर काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे वह अक्षर बनने लग गए, और बार बार इसी प्रयास को करते करते हमारे दिमाग में एक पैटर्न सा बन जाता है, एक आदत सी बन जाती है। और अब अगर आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आपके हाथ खुद ब खुद चलने लगेंगे, जबकि शुरुआत में हमें उस अक्षर को ध्यान करना होता था कि वह अक्षर किस तरह से लिखा गया है। पर आज के समय पर अगर आप उस अक्षर को लिखना चाहेंगे तो वह अक्षर आपके दिमाग में पहले से ही सेट है, और आपका दिमाग उस अक्षर को हूबहू वैसा ही आपके सामने उतार देगा, और इसके लिए हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। हमारा हाथ, पैर और दिमाग सब एक साथ मिलकर इस काम को बखूबी कर लेते हैं। ठीक यही चीज हमारे साथ बड़े होने के बाद होती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो चिंता क्या होती है ये तो हमें पता ही नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे माँ बाप हमसे कहना शुरू कर देते हैं कि बेटा अपना होमवर्क कर ले, तुझे अपना होमवर्क पूरा करने की चिंता क्यों नहीं होती, तेरे बहुत जल्द एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या तूने उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है या नहीं, तुझे अपने एग्ज़ाम की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। न जाने हमारे आसपास ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमसे हमारे बड़े चिंता करने के लिए कहते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे हमारे मन में इस चीज़ की एक आदत सी बन जाती है। और इसीलिए जब हम किसी भी काम को करने की सोच रहे होते हैं या फिर हमें उस काम को करना होता है तो पहले हमारे दिमाग में उस चीज़ को लेकर के हम बार बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और यही बार बार सोचना हमारे लिए एक चिंता का कारण भी बन जाता है। और यह आदत हमारे जीवन में कुछ इस तरह से समा जाती है कि हमारा पूरा जीवन सिर्फ चिंता के इस मायाजाल में फंस कर रह जाता है। फिर चिंता से निकलने का समाधान है क्या? तो इसका एक बहुत ही असरदार समाधान है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने एक जिन कहावत के बारे में बात की थी, इसका अर्थ है जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपनी पूरी दिनचर्या में थोड़ी देर रुक कर ही सही, पर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में बार बार सोच तो नहीं रहे हैं। पूरे दिन हमें जागरूक रहकर यह देखना होगा कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ जागरूकता से काम कैसे बनेगा। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि सिर्फ जागरूकता ही काफ़ी है आपको इस चिंता से मुक्त कराने के लिए, मन को अपने शांत स्वभाव का एहसास कराने के लिए। और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर
ध्यान देना आवश्यक है। और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप अपने अंदर एक अलग सा बदलाव महसूस कर पाएंगे। जैसे आपके मन में चलने वाले बेवजह के विचार एक एक करके अपने आप ही खत्म होने लगेंगे, गायब होने लगेंगे, और उसके बाद आपको अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव भी होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।